ओडिशा में शिक्षक 3 सूत्री मांगों को लेकर कल से अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए हैं और आज दूसरे दिन भी शिक्षक अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने शिक्षकों के हड़ताल पर जाने के बाद विद्यालय जाकर विद्यालय का पड़ताल किया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के ठीक सामने मिडिल स्कूल है, जहां शिक्षकों के हड़ताल पर जाने के बाद विद्यालय में मात्र एक शिक्षक के सहारे 165 बच्चों को जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं क्लास तक है इसी में अध्ययन करने पहुंचे थे। एक ही क्लास में 3 वर्ग के बच्चों को एक ही शिक्षक द्वारा पढ़ाते हुए पाया गया। वहीं कई कक्षा में तो बच्चों को केवल खेलते देखा गया। ऐसे पूरे ओडिशा की स्थिति हो गई है। आइए जानते हैं शिक्षकों के हड़ताल पर जाने के बाद विद्यालय की स्थिति, जो बच्चे ही बता रहे हैं। कितना क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास। अभी आज स्कूल में आपका कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। टीचर का कमी है इसलिए साथ में बैठे हैं। कितना क्लास के बच्चे बैठे हैं? 4, 3, 7। 3 क्लास के बच्चे एक ही क्लास में? हाँ। और शिक्षक एक ही है? हाँ। पूरा विद्यालय में? क्यों, शिक्षक कहाँ गए? सबको हड़ताल में। हड़ताल में गए हैं तो आप लोगों को पढ़ाई तो बाधित हो रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे सरकार से, क्या बोलेंगे? हम लोग को टीचर चाहिए। टीचर चाहिए। अपना अपना नाम बताइए। कितना क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास में। आज विद्यालय में बहुत हलचल है, क्या बात है? क्योंकि टीचर नहीं है हमारे स्कूल में। कहाँ टीचर कहाँ गए? स्ट्राइक में। तो आप लोगों को क्या अभी पढ़ाई नहीं हो रहा? नहीं। टीचर कितना टीचर अभी है पर्याप्त में? एक ही टीचर। तो आप लोगों को पढ़ाई नहीं हो रहा? नहीं। सब टीचर हड़ताल में गई हुई है। तो सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार को बोलेंगे कि अभी टीचर हमारे क्लास में नहीं थे, अभी तो एग्जाम भी पास आ रहे हैं, हम कहते एग्जाम। वहीं हमारे संवाददाता ने इंचार्ज प्रधान अध्यापक श्रीमती पद्मिनी पांडा से भी इस विषय में बात की, आइए सुनते हैं। मेरा नाम पद्मिनी पांडा है सर, स्कूल में इंचार्ज हेडमास्टर हूँ मैं। आज इस विद्यालय में देख रहे हैं कि सब बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, क्या कारण है? टीचर लोग हड़ताल पर गए हैं सर, हम अकेले हैं स्कूल में। अच्छा, क्या समस्या आ रहा है? अकेले कितने बच्चे हैं इस विद्यालय में? 196 स्टूडेंट है, इसमें से आज 165 पिलाए हैं। अच्छा, तो आप कैसे संभाल पा रही हैं? बहुत दिक्कत हो रहा है, 3-4 क्लास को एक जगह बिठा कर उनको पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं उधर उधर भी हो, दूसरा क्लास में टास्क देकर ऐसे कर रहे हैं। शिक्षक सबका हड़ताल कब तक रहेगा? मालूम नहीं सर, उन लोग तो कुछ पता नहीं, उन लोगों का कितने दिन स्ट्राइक रहेगा अनिर्दिष्ट बोल रहे हैं। ऐसे में तो शिक्षा पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, क्या कहेंगे सरकार से आप? हम क्या कहेंगे सर, उन लोगों का जो डिमांड है वो कब तक चलेगा, उसी हिसाब से स्कूल चला रहे हैं एक अकेले। संवाददाता रामप्रीत चौधरी, VSRS न्यूज, ओडिशा।